नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो वी आर नाउ ऑन द अदर फियर रूब्रिक्स। लास्ट टाइम वी हैव लर्न अबाउट द फियर ऑफ बिंग एलॉन एंड फियर ऑफ बिंग सॉलिट्यूड। टूडे वी विल लर्न अबाउट द फियर ऑफ बिंग फोरसेकन। व्हाट इज फोरसेकन? फोरसेकन मीन्स अबैंडन, डिजर्टेड। फोरसेकन मीन टू लीव विदाउट इंटेंडिंग टू रिटर्न, यानी कि अब वो वापस नहीं आएंगे, उस इंटेंशन से किसी को छोड़ के चले जाना, दैट इज फोरसेकन और डिजर्टेड। टू रिनाउंस और टर्न अवे फ्रॉम एंटायरली, पूरी तरह से किसी से मुंह मोड़ लेना। जैसे बच्चे अगर फॉरेन चले जाए तो माँ बाप को क्या होता है कि उनको लगता है कि अब ये बच्चे वापस नहीं आएंगे, फोरसेकन फीलिंग होती है। तो उस फीलिंग से जब डर लगने लगे और उस डर से जब कोई भी बंदा उसका डिफेंस करने लगे कि ताकि मैं फोरसेकन ना हो, तो ये है फियर ऑफ बिंग फोरसेकन। और उसके जैसा दूसरा एक रूब्रिक है फियर ऑफ बिंग निग्लेक्टेड। निग्लेक्टेड मीन्स नॉट रिसीविंग इनफ केयर और अटेंशन, यानी कि जो जो केयर और अटेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो उसकी वजह से फीलिंग क्या आती है, निग्लेक्शन फीलिंग आती है। टू गिव लिटल अटेंशन और रिस्पेक्ट टू, कि जैसे शादी ब्याह में या कोई भी प्रसंग में, कोई भी फंक्शन हो, सोशल फंक्शन हो, उसमें कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं जिसमें जो निग्लेक्टेड वाला बंदा होगा, जो जिसके अंदर ये फीलिंग पड़ी होगी, उसको छोटी सी बात से भी ये फीलिंग आ जाएगी कि हमें तो देखा तक नहीं, या हमें तो ऐसा सिंपल सा एक ही बार बोले फिर कभी बात भी नहीं की बाद में। तो ये सब फीलिंग कैसे आती है, जब हम हमारे अंदर कुछ है ऐसा निग्लेक्शन का भाव पड़ा हुआ है, तब वो फीलिंग आती है। तो पेशेंट के अंदर जब भी ऐसी हिस्ट्री में से आपको मिले कि उसको बुलाया नहीं जाए या उसकी राय नहीं ली जाए और उसको घर में पूछते नहीं है कुछ, तो उसको उसकी जो सिचुएशन बनती है वो है निग्लेक्टेड वाली सिचुएशन, फियर ऑफ बीइंग निग्लेक्टेड। और जब ऐसी सिचुएशन ना हो उसके लिए बंदा उससे डरने लगे निग्लेक्शन से, और जब वो डिफेंस में चला जाए कि ताकि मुझे कोई निग्लेक्ट ना करे, तो वो शायद अच्छे कपड़े पहन सकता है, फिर तैयार हो सकता है, मेकअप कर सकता है, बरोबर अच्छे गुड बॉय गुड गर्ल इमेज बन सकती है। तो ये अलग अलग चीज़ें डिफेंस की है ताकि उसका जो डर है वो उस सच साबित ना हो। तो फियर ऑफ बिंग निग्लेक्टेड एंड फियर ऑफ बिंग फोरसेकन, आपको लग सकता है कि भाई यहाँ पर उसको केयर नहीं मिल रही, लेकिन वो फोरसेकन नहीं है, वो निग्लेक्शन है। और उसके जैसा एक रूब्रिक है फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन एक निग्लेक्शन से काफ़ी डिफरेंट है। रिजेक्शन में स्ट्रेट अवे पर्सन को रिजेक्ट किया जाता है कि भाई तुझे कुछ नहीं बोलना है, तू कुछ नहीं करेगा, बराबर वगैरह वगैरह। तो हिस्ट्री में से आपको स्ट्रेट अवे क्या मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा। तो फियर ऑफ रिजेक्ट, और उससे जब वो बंदा डरने लगे कि अब वापस मुझे रिजेक्ट ना करे, जैसे कोई जॉब में जॉब के लिए एप्लीकेशन देता है तो स्ट्रेट अवे कैसा रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई तेरी एप्लीकेशन रद्द हो गई, तू नहीं चलेगा। जैसा भी माहौल है इलेक्शन का और किसी की एप्लीकेशन रद्द कर दिए जाए, दैट इज अ रिजेक्शन, कि आप वैलिड नहीं हो इलेक्शन लड़ने के लिए, तो फिर वो स्ट्रेट अवे रिजेक्शन हो जाएगा। तो दिस इज फियर ऑफ रिजेक्शन। और जब वो बंदा उससे डरने लगे रिजेक्शन से कि कहीं मेरी अर्जी रद्द ना हो जाए, कहीं मुझे मुझे रिजेक्ट ना कर दे घर वाले, कहीं कहीं मेरी बातों को रिजेक्शन ना मिले, तो ये है फियर ऑफ रिजेक्शन। तो आपको हिस्ट्री में से ये फील करना होगा कि बंदा किससे डर रहा है, फोरसेकन से डर रहा है, निग्लेक्शन से डर रहा है, कि रिजेक्शन से डर रहा है। थैंक यू।